सही है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, समझता नहीं है, टाइम हमारा वेस्ट होता है, लेकिन चलो आपके समझ में आ रहा है। ये सबसे खुशी की बात ये होती है कि समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे सारा सारे स्टूडेंट से रिस्पांस नहीं मिल रहा है भाई। स्टूडेंट थोड़े हैं जिससे रिस्पांस मिल रहा था। आई नीड टू गेट रिस्पांस टू ऑल स्टूडेंट। हमारे साथ कंस्ट्रेंट ये है कि मैं फिर बाकी, ये आ गया एन और ये आ गया एम, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। ये हमारे पास मिसाल के तौर पे सेल्स हैं, और ये सेल जो है वो बेसिकली इसको जाएंगे, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। वेरी गुड सब सर। पार्टिसिपेट भी किया करो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर मोबाइल पे ले रहे हो तो मुश्किल होता है पार्टिसिपेट करना, लेकिन अगर कंप्यूटर पे ले रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर पे लिया करो, फौरन फौरन लिखा भी करो जैसे लोग लिखते हैं। आप अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस करो, तो इसलिए बाकी लोगों से भी यही गुजारिश है कि गलत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टिसिपेट करो। अच्छा खैर सही है, हसन तुमने सही लिखा, हसनैन रजा तुमने ये सही लिखा, लेकिन ये किस जगह पे आएगा मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसमें कुछ लोगों ने जो सम को इनिशियलाइज किया ना, वो थोड़ा गड़बड़ है। हाँ देखो, अब हमाद ने सम को थोड़ा सा अलग जगह पे इनिशियलाइज किया जो कि बेहतर है। तो मैं दोबारा से अब इसको लिखना शुरू करूँ सबके लिए, ताकि जिनको नहीं आ रहा है वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो पहली लाइन में मैंने कहा, अभी मुझे नहीं पता था, देखो ये तो होगा ट्रायल एंड एरर का, गलती तो होगी ना, मैंने सम को यहाँ इनिशियलाइज कर दिया, कोई इशू नहीं है, गलती में यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। तो उसके बाद आपने कहा एक टेम्प मेरे पास एरे है और इसका साइज है, ठीक है। मैं कहता हूँ टेम्प एक एरे है और इसका साइज जो है वो मेरे पास एम और एन है। मैंने एक नया एरे इनिशियलाइज, क्योंकि रिजल्ट इसमें लेके आना है मुझे। दूसरी लाइन में मैंने कहा फॉर का लूप लगाता हूँ, सबसे पहले रॉ का लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू 1 to m, ठीक है। तीसरी लाइन में मैं अब एक कॉलम का लगाऊंगा फॉर जे इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अभी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चौथी लाइन में मैं लिखूंगा फॉर के इज इक्वल टू 1 to p, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमिट्स में जाके कि ये वाला जो हम ले रहे हैं, ये जो हम ले रहे हैं ये आपके पास है फॉर रॉ, ये दूसरा ये हम ले रहे हैं फॉर कॉलम, ठीक है, सॉरी, और ये जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं फॉर रॉ पेजेस, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। ओके, अब हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्शन में खुद ब खुद आपको नजर आएगा कुछ गलती हो रही है, चलो एक्शन भी देख लेते हैं। एक्शन ये है कि जब वो सबसे पहले यहाँ पे जाए तो हम लिखेंगे तो यू ही सम इज इक्वल टू सम, ठीक है, प्लस ए एरे एम, ठीक, एन और पेजेस पी। मेरे ख्याल इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, पेजेस पी। ये तो हमारे पास आ गया जो हमारा लिखने का अपना तरीकेकार है। थोड़ा और आगे कर देना कि मिक्सअप ना हो सारा, इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया हमने, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सोचने की बात यह है कि जब मैं इस तरह करूंगा तो ये अगर सबसे पहले, सॉरी तुम सही लिख, जो लोग गलती पकड़ चुके हैं वो आए बिल्कुल सही पकड़ा है, जे और के, मैं पता नहीं क्यों लास्ट एलिमेंट लेके तुम। इसका मतलब ये कि पहले हम इस वाले पे गए और इसका सम इसमें ले लिया, फिर इसमें गए इसका सम इसमें ले लिया, और इस तरह सारे सम हो गए। जब सारे सम हो गए यानी सारे पेजेस खत्म हो गए, और सुनिएगा, जब सारे पेजेस खत्म हो गए तो इसका मतलब सारा सम हो गया कम्प्लीट। अब आप नए लूप पे जा रहे हैं, यानी नए लूप से मुराद है जे के पास जा रहे हैं, तो सिक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लूप को बंद करेंगे। एंड लूप, ये मैं जो लिखता हूँ ना, इसकी वजह ये है कि आपको समझ आए एंड क्या है, एंड लूप ऑफ के, मैंने के का लूप बंद कर दिया। यानी फिर दोबारा सुनना गौर से स्टूडेंट, आई वन है, जे वन है, के भी वन है, तो इसका मतलब है ये वाला एक्सेस हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगले में यानी यहाँ पे आए तो के टू हो गया, आई जे चेंज नहीं हुआ, के टू हो गया, तो ये वाले सेल पे चले गए, फिर इस वाले सेल पे चले गए, और इस तरह सारे पी सेल पे जाके सारे सम निकाल लिया आपने। अगर आपने सारा सम निकाल लिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले सेल का करस्पॉन्डिंग सम आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, उसको जो है स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे, अब आइए स्टोर कहाँ करेंगे, मैं स्टोर भी कर देता हूँ, अभी ये गलती से बंद हो गया, लेकिन चलो उसको हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। लाइन नंबर 7 में, ठीक है, लाइन नंबर 7 में आप इसको स्टोर करने जा रहे हैं। अभी मैं
सारी गलतियां सही कर देता हूँ ना, ताकि जिन लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत आला लिखा है, पहले स्टेज के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा लिखा है, यहाँ पर फोर से निकल के मैं कहता हूँ जो हमारा टेम्प का एरे है इसकी कौन सी लोकेशन पे आई और इसकी जे एथ लोकेशन पे जाके सम को स्टोर कर दो। अब जरा देखना, ये सही लिखा है मैंने? जब इसने पहले सेल के सारे एलिमेंट का सम ले लिया तो मैंने कहा मूवमेंट में किस में नहीं आई, आईजे में मूवमेंट नहीं आई अभी तक, क्योंकि ये इससे भी बाहर निकले, आईजे 1-1 ही है। तो पहला रॉ पहले कॉलम की लोकेशन पे इसने स्टोर कर दिया और दोबारा वापस गया, किसके पास जाएगा? आई के पास थोड़ी जाएगा, जे के पास जाएगा। जब जे के पास जाएगा तो फिर दोबारा जे के पास का मतलब होगा अगले कॉलम में आ गया, इस वाले कॉलम में आ जाएगा। जब इस कॉलम में आएगा तो फिर पी चलना शुरू होगा दोबारा से सारे सेल के लिए। जब दोबारा से सारे सेल के लिए पी चलना शुरू होगा तो सम के अंदर तो बहुत बड़ी वैल्यू आ चुकी है और सम अब दोबारा एक्सेस नहीं हो रहा, तो सम को जीरो हो जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम को ऊपर हमने गलत इनिशियलाइज कर दिया है। सम को इनिशियलाइज जो है वो यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, जो मैं गलती से वो होना ये चाहिए था कि इस फोर के समय वो मेरे से ना मिस हो गया ना, तो ये अब यहाँ ले, यानी ये जो जगह है, ये जो जगह है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो जगह है यहाँ पे सम को इनिशियलाइज होना चाहिए, ठीक है। और किस तरह होना चाहिए मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे क्यों होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू जीरो, जो सम का इनिशियलाइजेशन है ना वो इस जगह पे मुनासिब है जो मैंने एरो बना के लिखा है, इंस्टेड ऑफ के मैं सम को इस जगह पे इनिशियलाइज करूं। अब मैं इसको नीचे नहीं कर सकता ना, यहाँ पे मसला ये है। ये समझ आ गया तुम्हारे? अब जरा दोबारा से देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ से टेम्प की एक एरे लेके चले, आई को वन जे को वन लेके चले, अब जैसे आई जे वन हुआ सम को जीरो कर दिया एक नया वेरिएबल और के भी वन हो गया, तो पहली लोकेशन पे रखा हुआ डेटा सम हो गया इस वजह से। फिर ई में चेंज आया, दूसरे पेज का सेम लोकेशन का डेटा सम हो गया और सारा डेटा सम होके यहाँ सम में आ गया। जब सम में आ गया तो आप इस लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आके नीचे आए, सम का डेटा आई जे में चेंज नहीं हुआ तो 1-1 लोकेशन में स्टोर कर दिया। और अब आप जाने वाले हैं कहाँ पे? इसके ऊपर वाले लूप 3 पे। जब 3 पे जाएंगे तो जो पिछला सम जो कॉपी किया है इसको जीरो हो जाना चाहिए, तो जीरो कर दिया आपने, जीरो करके दोबारा नीचे आए ताकि सेकंड लोकेशन के सारा सेल जो है वो बेसिकली समिशन में आ जाए। तो ये आपने अब 8वीं लाइन के अंदर, मेरे ख्याल समझ आ गया होगा आपको, 8वीं लाइन के अंदर अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपका सारा गेम कंप्लीट हो चुका है। 8वीं लाइन में आपने सिर्फ ये करना है, यहाँ पे एंड फॉर के करना है क्योंकि हमारा मसला हल हो चुका है, हमें मीन तो निकालना नहीं है। 9 लाइन में आपने क्या करना है? एंड फॉर आई करना है। और 10वीं लाइन में आपने क्या करना है? आपने एक्सिट करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे जब ये बाहर निकलेंगे ना तो इस सूरत में टेम्प की हर स्पेसिफिक लोकेशन पे करस्पॉन्डिंग सेल का जो है वो आंसर होगा, ठीक है। अब आपके मैं उस पर आ गया हूँ, क्या नाम है, टेक्स्ट के ऊपर, चैट के ऊपर, ताकि मैं सवालात ले लूँ, जो क्वेश्चन है वो पूछ लो मुझसे, बोलोगे तो मैं अनम्यूट भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप बात कर सकते हैं मुझसे। अच्छा जी, हाँ, हम्माद ने बाद में 1:18 पे बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, हम्माद ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ये स्टोर सर, यस सर जी, सही समझ आ गया। फरहान अली साहब ने भी कहा सही समझ आ गया, माशाल्लाह। मोहम्मद हारिस ने कहा क्लियर्ड है। सिमरा ने कहा के को 2 टाइम एंड क्यों किया, गलती से कर दिया होगा भाई, तो मैंने वैसे तो एक ही टाइम, हाँ के का लूप नहीं है ये जो मैंने गलती से कर दिया है, बिल्कुल ठीक जज किया उन्होंने। ये जो मैंने एंड किया है, मेरा मकसद ये के को एंड करना नहीं था, मेरा मकसद यहाँ पर के को एंड करना नहीं था, जे को एंड करना था, ठीक है सिमरा, जे एंड हुआ, आसान, ठीक है, और इसको करेक्ट कर लेना सर। सर क्लियर है, ये जरूर पाइथन पे जरूर रन करना है इसको। पाइथन पे मैं तुम्हें रैंडम एरे बनाने का तरीका सिखा दूं ना, नंपाई पे, नंपाई यूज किया होगा तुम लोगों ने, तो तुम लोग पाइथन पे इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हो। मैं तुम्हें किसी वक्त टाइम मिलेगा ना
तो मैं पाइथन पे तुम्हें रैंडम एरे इंटीजर बनाने का तरीका सिखाता हूँ, और अभी रन करके भी दिखा दूंगा पाइथन पे कि नम पाई के थ्रू जब रैंडम एरे बनाना सीख जाओगे ना तुम लोग, तो अभी मैं आज मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो जब रैंडम एरे बनाना सीख जाओगे ना, तो इस तरह की कोई भी प्रोग्राम तुम लोग, क्योंकि जब कोड में जाते हैं ना तो हमें डेटा चाहिए होता है, इसमें यहाँ पे एल्गो में डेटा नहीं चाहिए होता। एल्गो में हम सारा गेम इंडेक्स पे खेलते हैं, और प्रोग्राम कोड में भी सारा गेम इंडेक्स पे खेलते हैं, लेकिन उसमें डेटा होगा तो प्रोग्राम चलता है। तो मैं अभी आपको मुझे याद दिलाना, आखिर में मैं आपको नम पाई के ऊपर, जो असल में पाइथन में दो किस्म के एरे यूज होते हैं, एक उसका पाइथन का बिल्डिंग एरे है जो कि लिस्ट की सूरत में होता है, जो हेटरोजीनियस होता है, नॉर्मली टीचर वही पढ़ाते हैं, और एक थर्ड पार्टी टूल के तहत जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल तो हो जाता है, वो बेसिकली नम पाई एरे कहलाते हैं, नंबर एरे। तो उसके अंदर बहुत बड़ी कमांड, यानी बहुत सारा गेम है जो आप प्ले कर सकते हैं, और नॉर्मली लोग नम पाई एरे यूज करते हैं, बिल्डिंग बहुत स्लो है इस वजह से बिल्डिंग मेथड यूज नहीं करते। तो आप डेटा 2D हो, 3D हो, रैंडम एरे बना, क्योंकि हाथ से खुद डेटा टाइप करें बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा डेटा टाइप होता है। रैंडम एरे में आप 1000 साइज के एरे बना लो, 2D बना लो, 3D बना लो, ठीक है ना। तो जिस तरह ये जो तुमने लिखा है, ये 1D एरे है, ये 1D एरे है। तो क्योंकि तुम लोग 1D एरे इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम लोग नॉर्मली np.array 1D एरे इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि नॉर्मली तुम लोग सर्चिंग सॉर्टिंग करते हो ना, तो सर्चिंग सॉर्टिंग का ज्यादा काम 1D एरे में होता है, तो 2D एरे में जब हम जाएंगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे तुम लोग रेंज दे रहे हो, रैंडम नहीं आ रहा है। अब हम रैंडम जब रखेंगे R&D रैंडम, तो रैंडम कैसे होता है, तो आपको आना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ मैं भूल जाता हूँ, मुझे तुम लोग याद दिला दे करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के तुम में से कोई बना लो, और अभी बना लो व्हाट्सएप ग्रुप, इसकी लिंक यहाँ शेयर कर दो काइंड, और मुझे भी उसमें एडमिन बना दो। तुम लोग कर सकते हो ना, खुद भी मेंटेन कर लो, मैं क्या बनाऊँ, इतने बड़े सीनियर लोग हो तुम। कोई एक आदमी जो है वो CR बन जाए, जो खुश खुशी से खुद बन जाए जबरदस्ती ना, और वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसके लिंक यहाँ शेयर करे, और गूगल क्लासरूम में शेयर कर दे, गूगल क्लासरूम में तो कोई भी शेयर कर सकता है, और उसके बाद फिर उसमें सब हम ज्वाइन कर लेंगे ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। नहीं नहीं रैंडम की लाइब्रेरी numpy के अंदर एग्जिस्ट करता है, मैं आपको भी सिखाऊंगा, मैं आपको पाइथन पे सिखा देता हूँ, ठीक है। मैं डेटा साइंस पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने लोगों को बहुत इसमें काम करवा दिया। अच्छा खैर चलो, अभी हम आगे बढ़े, ये 3D समझ में आ गया हमें। मैं मुझे आखिर के 5 मिनट देने में, तो मैं लिस्ट और numpy दोनों का मतलब मकसद समझा देता हूँ। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर और numpy डेटा स्ट्रक्चर दोनों समझा देता हूँ। अच्छा जी, आप ये बताइए कि ये समझ में आ गया आपके। हाँ जवाद बना लेगा भाई, जवाद जावेद साहब, जावेद की जिम्मेदारी है, ये बनाएगा और फिर ये हमसे शेयर कर लेगा। आपने यही बोला ना जावेद, आप बनाएंगे, वेरी गुड। अब एक बहुत मुश्किल सवाल मैं देने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल तो है लेकिन कैसे होगा वो हम देखते हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक काम किया था जो डायगोनल, यानी अगर हम, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये मैं टास्क दे रहा हूँ, मैं करा नहीं रहा, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, अब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक पे भी मूव करने जा रहा हूँ। साकिब भाई को कह रहा हूँ, साकिब भाई आप बना दीजिएगा और हमें शेयर कर दीजिएगा, ब्रेक आएगा ना, ब्रेक में बना के हमें शेयर कर देंगे। अच्छा जी आइए, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक 3D एरे का तो बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं ना, तो वो तो भी आप छोड़ें कि हम किस तरह करेंगे। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक एरे है 3D एरे, समझ आ गई, इसका साइज p है। अब देखें इसके रोज भी n है और कॉलम भी n है, आप नजर आ रहा हो आपको, रो और कॉलम n है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक डायगोनल भी एग्जिस्ट करता होगा प्रॉपर। जब ये स्क्वायर हो जाए तो डायगोनल भी एग्जिस्ट करते हैं, समझ आई बात है, इसके ये इसमें भी डायगोनल होगा, इसके पीछे वाले में भी डायगोनल होगा, उसके पीछे वाले में, एक इमेजिनरी बता रहा हूँ कि हर एक के पास एक डायगोनल एग्जिस्ट करेगा। डायगोनल किसको कहते हैं, ये अगर लास्ट क्लास में कोई नहीं था तो उसके लिए बता रहा हूँ कि जहाँ पे रॉ और कॉलम की तादाद से इंडेक्स सेम हो उसको डायगोनल कहते हैं। अब यकीनन अगर ये वाला सेल है तो यहाँ पर ये पहला रॉ, पहला कॉलम, पहला पेज है, लेकिन अगर हम इसके पीछे वाले की बात करें, इस वाले की बात करें, तो ये पहला रॉ, पहला कॉलम और दूसरा पेज है, तो आप कहेंगे ये तो चेंज हो गया। तो हमने ये बात की है कि डायगोनल उसको कहते हैं जिसके रॉ और कॉलम सेम हो, पेज की बात नहीं कर रहे,
तो इसका डायगोनल ये होगा, अगला वाला ये होगा, अगला वाला ये होगा, अगला वाला ये होगा, इस तरह से ये इसके डायगोनल होते हैं। पेजेस की कंट्रीब्यूशन डायगोनल में नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि हाँ ये किस पेज का डायगोनल है। इसका मतलब है कि ये सेल पेज नंबर टू का डायगोनल है। अगर अगला वाला देखा जाए तो ये पेज नंबर टू का अगला डायगोनल है। समझ में आई बात? ये डायगोनल्स एग्जिस्ट करते हैं। सवाल यहाँ पे ये है, जो हमारे पास क्वेश्चन है ये डायगोनल, अभी अगला क्वेश्चन ये है कि हमें दो सवाल दे रहा हूँ तुम लोग का खाली, कि मैं ब्रेक में करो थोड़े दिन बाद, अब व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तो करके वहां पे डिस्कशन में शामिल हो सकते हो कि सर ये मैंने सही किया या नहीं किया। ये मैं अभी करा नहीं रहा, मैं आपके हैंड्स ऑन होने के लिए सिर्फ सवाल दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सवाल आपको ये दे रहा हूँ, ये वो सवाल आते हैं जो मैं मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ और आप अपने रजिस्टर में सॉल्व कर लेते हैं। टू फाइंड द मीन ऑफ, ठीक है, मीन ऑफ ऑल डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ 3D एरे। ऑल इसने लिखा है कि इसमें कई डायगोनल्स होंगे, कई डायगोनल्स होंगे, बाय यूजिंग टू लूप, और आपको पास दो लूप इस्तेमाल करने की इजाजत है, ठीक है, तीन लूप नहीं यूज कर सकते आप जो है वो। दो लूप इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे यार इंडेक्स तो तीन है, लूप दो कैसे इस्तेमाल करें, आप ही सोचेंगे ये बात, जब सोचेंगे तो फिर जाहिर है आपको। तो आपने, और मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम भी नहीं लिखा है, मैंने मीन लिखा है, मीन या एवरेज, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, नहीं होगा मैं करा दूंगा। लॉजिक पे खेलने में मजा आता है ना, मुझे तो बहुत मजा आता है कि भाई मैं दिल चाहता है मैं खुद करा दूं, लेकिन जाहिर है स्टूडेंट से भी काम करवाना होता है ना, मेरे तो अभी दिल कर रहा है कि मैं खुद लिख दूं उसका कोड। हाँ अब देखो ये कैसे होगा साकिब, ये तुम्हें सोचना ना, मैंने हमेशा कहा है कि आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्ट लिखने की कोशिश ना करें, ये सबके लिए इंस्ट्रक्शन है। आप पहले सोचें इसको, टाइम लें इसके ऊपर, आराम से सोचें, कोई इशू नहीं है, आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन थोड़ा टाइम इसके लिए निकालें। और जो कहा जा रहा है, अच्छा अगर तीन लूप से करेंगे तो एफिशिएंसी डाउन होगी, टू लूप से करेंगे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हालांकि ये तीन लूप से भी हो सकता है, दो लूप से भी हो सकता है। तो हमें सोचना है कि यार ये जब सर कह रहे हैं या कोई आदमी कह रहा है टू लूप से करना है, तो इसका मतलब होता होगा तो एफिशिएंसी इम्प्रूव होती होगी, तो वो हमें दो लूप से इसको करना है, ठीक है। ये एक सवाल, ये तो हो गया एक सवाल। अब आप दूसरा सवाल देखें हमाद, ये तो तुमने सबको बताने के लिए लिख दिया है, अभी तुम बताओ नहीं सबको, अभी अपने पास रखो ताकि जब कोई फंसे तो उसको बताओ, जब तुमसे कोई पूछे तो, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने आपने जो काम करना है वो ये है, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का टू फाइंड मीन ऑफ करस्पॉन्डिंग सेल ऑफ ईच पेज। ये दो सवाल भी फिलहाल आपने करने हैं, और चाहे ब्रेक में कर लो चाहे बाद में कर लो, लेकिन वीक से पहले पहले कर लेना 3D का, ताकि आपको 3D के अंदर महारत हो, ताकि मैं इसमें थोड़ा सा और मुश्किल सवाल देने के काबिल हो जाऊँ आपको। तो मैंने दो सवाल दिए, पहले वाला समझा दिया, मेरे ख्याल समझ आ गया, दूसरा वाला समझाने जा रहा हूँ। हाँ मैं सेकंड वाला समझाने जा रहा हूँ, ताकि फिर मैं अपने टास्क को चेंज करूँ और अगले टास्क पे चला जाऊँ, हमें पढ़ना क्या, एरे हमारा खत्म हो जाएगा। हमारे पास ये एक एरे है, नहीं यहाँ बना के, हमारे पास ये एक एरे है, और जिस तरह से हमने अभी करस्पॉन्डिंग सेल का मिन लिया था, आप बिल्कुल इसी तरह से करस्पॉन्डिंग सेल का क्यूमुलेटिव लिया था, अब आप करस्पॉन्डिंग सेल का मिन निकालेंगे। अब आपको सोचना है कि ये कैसे निकलेगा, ये पेजेस है, ये नंबर ऑफ रोज है, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक हो गया। देखें ये इसका पहला सेल है सबका, यानी अगर इस वाले सेल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1, 1, 1, और इसकी बात करें तो ये दिस इज कॉल्ड 1, 1, 2,
और इसकी बात करें तो 1.1.3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे सेल हैं हमारे पहले वाले, इसका पहले आपने क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव सम लिया था, इसका आपने क्यूमुलेटिव, अभी मैं सेकंड वाला समझा रहा हूँ भाई, इसका आपने क्यूमुलेटिव सम लिया था। अब आपने क्यूमुलेटिव सम नहीं लेना है इसका, अब आपने इन तमाम एलिमेंट का, इन तमाम एलिमेंट का मिनिमम निकालना है। आएगा तो एक ही एलिमेंट ना, आएगा तो एक ही एलिमेंट। पहले आपने क्यूमुलेटिव सम लिया था तो एक ही एलिमेंट आंसर में आया था, अभी भी आप इसका मिन लेंगे, इन सब का मिन जो है, अगर इसमें दो मिन होते हैं तब भी वो एक ही आंसर देता है, वो तो मिन जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो भी इसका मिन, इस करस्पॉन्डिंग का, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस पहले सेल में जो मिनिमम होगा वो आंसर आ जाएगा। उसको आप इसी तरह से टेम के अंदर स्टोर करेंगे, जैसे पहले किया था, 2D एरे लेंगे उसके अंदर स्टोर कर देंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम तो है लेकिन करेंगे आप। फिर उसके बाद आप मूव करेंगे अगले सेल में और सेकंड सेल के सारे एलिमेंट का मिन निकालेंगे और उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में स्टोर। तो जो काम आपने क्यूमुलेटिव के लिए किया था वही सारे काम आप मिन के लिए करेंगे, बस मेथडोलॉजी चेंज हो जाएगी कि पहले आपने क्यूमुलेटिव सम निकाला था, अब आप जो है वो क्या कर रहे होंगे, एक मिनट होल्ड करना बेटा। हाँ सॉरी, तो अब आप सेकंड सेल पे जाएंगे और यहाँ पे भी मिनिमम निकालेंगे और इसका मिनिमम डिफरेंट होगा, उसको भी किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही? उसके बाद फिर करस्पॉन्डिंगली यहाँ जाएंगे अगले वाले उसका, और फिर वो भी, तो इस तरह एक 2D एरे आ जाएगा आपके पास जिसमें सारे करस्पॉन्डिंग पेजेस का हमारे पास मिन आ जाएगा, यानी पहले में पहले पेज का, दूसरे में दूसरे पेज का, तीसरे में तीसरे पेज का, चौथे में चौथे पेज का, और इस तरह सारे पेजेस के हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक मिन आ जाएगा। और ये जो पहला है ये पहले पेज के सारे रॉ, फिर ये पहले पेज के ही यानी सारे पेजेस के दूसरे रॉ, और ये सारे पेजेस के तीसरे रॉ, और इस तरह सारे पेजेस की, ये हमें ये कर लोगे ना, फिर मैं इसी में अगला टास्क दूंगा, इसी कोड में अगला टास्क है, लेकिन पहले इसको कर लो फिर मैं बताऊँ। अच्छा लॉजिक क्या है कि हारिस, मैं लॉजिक को अभी समझा दूँ तो फिर फायदा क्या होगा सवाल का, लेकिन मिन निकालने का अपना एक प्रॉपर मेथड होता है, ये सही लिखा तुमने बिल्कुल। मैंने इसमें लूप की कंडीशन कुछ नहीं लगाई, आप चाहे चार लूप यूज करें, तीन लूप यूज करें, क्वेश्चन नंबर 2 में आप जितनी मर्जी लूप यूज करें आपकी मर्जी, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में 2 लूप। हारिस तुम्हारा ये सवाल आंसर तरीकेकार है वो ठीक है, तुम्हारा तरीकेकार जो है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि गलत भी, मतलब आगे जाके तुम गलती कर दो, बोलो कि सर आपने सही कहा था, तो वो आगे तुम्हें इसको केयरफुली आगे की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तो उसमें शेयरिंग भी कर लेना, लेकिन व्हाट्सएप में शेयरिंग करोगे तो फिर ये होगा कि सब लोग देख लेंगे, ये कोई असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट में इससे एक स्टेप आगे के सवाल होते हैं जो आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक बात कम्प्लीट हो गई, मेरे ख्याल 3D एरे इनफ है यहाँ तक, डायग्राम भी होगा, ये सारी चीजें होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, विच इज कॉल्ड बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारा एक अच्छा बोझ खत्म हो गया कि हमने एरेज को डिस्कस कर लिया और एरेज के अंदर जो 3 पार्ट हैं वो ऑलमोस्ट पढ़ लिए, लेकिन अभी हमारे पास एरे को इस्तेमाल करके जो सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो नहीं पढ़े हमने। तो मैं सर्चिंग और सॉर्टिंग को इसलिए नहीं पढ़ाया कि मुझे पहले कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ानी है, ताकि जब मैं सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स पढ़ाऊँ, क्योंकि सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम किस कैटेगरी में आते हैं, यानी जैसे हमारा जो सिस्टम चल रहा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद मेमोरी, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके बाद एल्गोरिथम तो कोई भी हो सकते हैं, ट्रैवर्सिंग का, सर्चिंग का, सॉर्टिंग का, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जो भी एल्गोरिथम पढ़े उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि उसको चलने में कितना टाइम लगेगा। तो जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इस एप्लीकेशन की बहुत सारी किस्म है, इस एप्लीकेशन की नंबर 1 आप कहते हैं भाई ट्रैवर्सिंग है, ठीक है, इसकी बहुत सारे एग्जाम है, ट्रैवर्सिंग है,
फिर दूसरा जो है वो सर्चिंग है, तीसरा जो है वो सॉर्टिंग है, चौथा जो है मर्जिंग है। बहुत सारी इसकी जो है वो प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है। तो अभी हमने आपको ज़्यादातर ट्रैवर्सिंग के अंदर से काम करवाया, सर्चिंग सॉर्टिंग पे नहीं लेके गया। सर्चिंग सॉर्टिंग पे और डिलीशन है, डिलीशन पे करवा दिया मैंने, और इंसर्शन भी करवा दिया है एरे के अंदर ही रहने में। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया। सर्चिंग सॉर्टिंग पे इसलिए नहीं लिखेगा, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाऊंगा तो सर्चिंग सॉर्टिंग कराऊंगा। इसकी वजह ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कराएंगे, जब सर्चिंग सॉर्टिंग कराऊंगा तो उसी के साथ साथ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलवा दूंगा। तो पहले हमें ये तो बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। अपडेट, जी अपडेट भी होता है, अपडेट भी होता है, बिल्कुल फंक्शन है, यानी ये भी एक एल्गोरिथम है अपडेट करना। लेकिन ये इंसर्शन डिलीशन की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा जाता। अच्छा आइए अब जरा मुश्किल टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब आप को थोड़ा सा इससे हार्ड टॉपिक पे लेके जाता हूँ। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं अगली चीजें शेयर कर रहा हूँ। वो है ओके, ये सवाल पूछ लो, कुछ पूछना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस के हमारे कौन सा फंक्शन की स्ट्रक्चर पर कितना टाइम। जी बिल्कुल सही कहा आपने नूर मानक, किस स्ट्रक्चर पर कितना टाइम लगेगा, यानी अगर मैं या एक ही सेम स्ट्रक्चर पे दो डिफरेंट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये भी कह सकते हैं इसको। सही है भाई। आइए भाई अब हम बिल्कुल थोड़ा सा, अब ये डेटा स्ट्रक्चर में शामिल है टॉपिक क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। एफिशिएंसी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट रिलेटेड वर्ड है, ये मैं भी सब क्लियर कर दूंगा। आप मुझसे पूछते रहना, मैं भी क्लियर करूंगा, जो भूल जाऊं मैं वो बताने से तो मुझसे पूछ लेना। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है, कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंसी, रनिंग टाइम, ठीक है, बिग ओ नोटेशन, ठीक है, बिग ओमेगा नोटेशन, ये सारे के सारे एक ही वर्ड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं समझाने शुरू करता हूँ। अच्छा जी, पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। ये जो इसका चौथा पार्ट है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस पे हम आ चुके हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पहले जर्नल डिस्कस कर रहे हैं, किसी एल्गोरिथम के लिए नहीं कर रहे, एक जर्नल ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें किसी एल्गोरिथम के लिए कैलकुलेट करना आसान हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको शुरू में भी बताई वो ये कि एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस डेट द एल्गोरिथम रिक्वायर्स रनिंग टाइम एंड मेमोरी। ये जो रिसोर्सेस का वर्ड है ना भाई, ये जो रिसोर्सेस का वर्ड है, ये वर्ड जो है, ये रिसोर्सेज जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि कोई एल्गोरिथम कंप्यूटर में दो रिसोर्सेज लेता है। एक प्रोसेसर की रिसोर्सेज लेता है, ये प्रोसेसर को इंगेज करता है वो, जिसको हम रनिंग टाइम कहते हैं कि वो प्रोसेसर में चला गया तो उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, तो वो रनिंग टाइम कहलाता है। और दूसरा कोई एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली मेमोरी में जगह लेता है। जब वो मेमोरी में जगह लेता है तो बेसिकली जब वो मेमोरी में जगह लेता है तो बेसिकली ये इसकी रिसोर्सेस कहलाती है। ये जितनी कम जगह लेगा उतना बेहतर है, और जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा उतना बेहतर है। तो कोई भी एल्गोरिथम कंप्यूटर के अंदर मेजरली ये दो रिसोर्सेस इस्तेमाल करता है, इन दो रिसोर्सेस को यूज करके काम कर रहा होता है। अब अगर हम कहते हैं कि मेरा एल्गोरिथम बेहतर है, और सज्जाद साहब कहते हैं या हम्मा साहब कहते हैं मेरा एल्गोरिथम बेहतर है, समझे मेरी बात, यानी हसन साहब कहते हैं कि मेरा एल्गोरिथम बेहतर है और फवाद साहब कहते हैं मेरा एल्गोरिथम बेहतर है, तो कौन तय करेगा किसका एल्गोरिथम बेहतर है। तो ये तरीकेकार बेहतर नहीं है,
कि मैं रन करूं और मैं कहूं कि चलो देखते हैं किसका पहले रन हो जाता है वो बेहतर होगा, ये तरीके का ठीक नहीं है। क्योंकि मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों कंप्यूटर जो अलग अलग मौजूद हैं जिन पे सेम एल्गोरिथम चलाए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जिसकी वजह से हम एल्गोरिथम को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बेहतर है। हो सकता है किसी में 4 GB लगा हो, किसी में 8 GB लगा हो, किसी में कोर i7 लगा हो, किसी में कोर i5 लगा हो, तो कैसे कंपेयर करो कि कौन से बेहतर है। एक बात और सुनना क्या कह रहा हूँ। फिर कुछ स्टूडेंट यूँ सोचते हैं कि सर ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर में हम दो एल्गोरिथम को बारी बारी अलग अलग चेक करते हैं और टाइम नोट कर लेते हैं उसका, ठीक है। यानी सेम कंप्यूटर यूज करते हैं, पहले हम बबल सॉर्ट का एक एल्गोरिथम है, सर्चिंग का सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट, उसको चलाते हैं और देखते हैं कि वो कितना टाइम ले रहा है। और फिर हम उसी डेटा उसी कंप्यूटर के ऊपर इंसर्शन सॉर्ट चलाते हैं, फिर देखते हैं कि वो कितना टाइम ले रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो हमें पता चल जाएगा किसकी किसकी एफिशिएंसी अच्छी। ये भी गलत तरीकेकार है, सुनना गौर से। क्यों? सेम कंप्यूटर में भी डिफरेंट वक्त में कंप्यूटर इंटरनली डिफरेंट काम में बिजी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट काम कंप्यूटर से करवा रहा होता है। बहुत सारे डिफरेंट काम है जो भी आप पढ़ेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर डिफ्रेगमेंटेशन की एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट करो या मेमोरी को डिफ्रेगमेंटेशन करो। यानी डिफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि सारे डेटा जो स्कैटर्ड हुआ है उसको एक साथ ले आओ। ये एक छोटा सा काम बता रहा हूँ जो इंटरनली होता है, हमें पता नहीं चलता। अब मिसाल के तौर पे जब आपने बबल सॉर्ट चलाया उस वक्त ये काम नहीं हो रहा था, वो बहुत तेजी से एग्जीक्यूट हो गया, और जब इंसर्शन सॉर्ट चलाया तो डिफ्रेगमेंटेशन इंटरनली चल रहा था, इसकी बारी नहीं आ रही, ये थोड़ा देर से उसका नंबर आया क्योंकि इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिफ्रेगमेंटेशन चला दी थी। आप कहेंगे यार बबल सॉर्ट बेहतर है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। और सुनना, ये भी मुमकिन नहीं है कि सेम कंप्यूटर पे दो एल्गोरिथम को टेस्ट किया जाए, क्योंकि डिफरेंट वर्क के अंदर डिफरेंट काम कंप्यूटर के अंदर हो रहे होते हैं और आपके एल्गोरिथम जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि किसका एल्गोरिथम किस वक्त बेहतर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट ऐसी बेवकूफ़ी वाले जवाब देते हैं अपने FIP में, तो वो आपको नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जब कोल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप उस वक्त आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई इस बात क्या हो रही थी। अभी तो मैं सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ा रहा ना, अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ। ये भी नहीं सोचना कि मैं दो एल्गोरिथम सेम कंप्यूटर पर चलाऊँ और मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है फिर कोई नया तरीकेकार होगा, तो वो तरीकेकार मैथमेटिकल मॉडल है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कंपेयर टू डिफरेंट एल्गोरिथम यू विल यूज द मैथमेटिकल मॉडल। आपको मैथमेटिकल मॉडल यूज करना पड़ेगा विच इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर। वो यूज रनिंग टाइम और मेमोरी को ही करेगा, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को नहीं करेगा। वो एक जर्नल मेथड लगाएगा जो मैथमेटिकल मॉडल होगा, ठीक है। वैसे मैं आप नूर मोहम्मद सर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि सर हमारे साइमल्टेनियस कंपेयर करना होगा। जी, साइमल्टेनियसली कंपेयर करने के लिए भी अगर आप दो डिफरेंट कंप्यूटर पे चलाते हैं, एक कंप्यूटर पे तो साइमल्टेनियसली दो प्रोग्राम नहीं चला सकते, ये तो किया, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर दो डिफरेंट कंप्यूटर पे चलाते हैं और दोनों सेम कंप्यूटर है कॉन्फ़िगरेशन वाइज, तब भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर में डिफरेंट वर्क में करें तब भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? वजह मैंने बता दी। अभी आपको शायद ये वजूहात नहीं पता हो, ये वजूहात इसलिए नहीं पता होंगे कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को शायद कोर्स नहीं पढ़ा। ऑपरेटिंग, जैसे मैंने कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी की डिफ्रेगमेंटेशन करता है, हार्ड डिस्क की डिफ्रेगमेंटेशन करता है, सम टाइम जो है वो प्रोसेसर से किसी वजूहात की वजह से कम्युनिकेट करता है, और आपने एक एल्गोरिथम चलाया उसकी बारी नहीं आ रही, आपका ये तो स्लो है। तो ऐसा नहीं होता, चलो तो हमारी वजह से थोड़ी हुआ है, वो तो उसकी अपनी इंटरनल वजह से हुआ। तो इसलिए हम जो मेथड, अब ये मेरे को पहला इंस्टेंस मैंने आपको दे दिया, तो इसका मतलब ये है, अच्छा तुमने पढ़ लिया मात कोर्स, तो ये पढ़ा होगा ना जो मैं बता रहा हूँ जिसमें मेमोरी मैनेज, अच्छा वो तो थोड़ा सा पढ़ा है ना IAS में, अभी तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे IAS OS के नाम से, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पूरा पढ़ना है तुमने अभी, मेमोरी मैनेजमेंट के नाम से, फाइल मैनेजमेंट के नाम से,
और ओएस के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्केड्यूलिंग, ये सारी चीजें पढ़ोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है। अच्छा, मैं भी जो बात कर रहा हूँ समझ गए। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो चाइल्डहुड का जमाना था और हम समझते थे कि हम कंप्यूटर में चला के रन करके कंपैरिजन कर लेंगे, दिस इज नॉट बेसिकली फिजिबल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द टू एल्गोरिथम्स। सो देयर इज समथिंग एल्स टू कंपेयर द टू एल्गोरिथम। जो मैट्रिक्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं कंपेयर करने के, वो तो ये दोनों ही हैं, रनिंग टाइम और मेमोरी। लेकिन वी विल, और ये खड़े किस पे होंगे, तो वी विल बेसिकली यूज द मैथमेटिकल मॉडल। हम मैथमेटिकल मॉडल यूज करेंगे जिसपे हम अपने अपने दो एल्गोरिथम को, जो जो के बेसिकली कंप्यूटर्स के अलावा होंगे, जिससे हमें ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि दो कंप्यूटर के थ्रू यूज करें, अब हमारा सही कंपैरिजन हो सकेगा मैथमेटिकल। तो वो मैथमेटिकल मॉडल समझना चाहिए। तो उस मैथमेटिकल मॉडल को समझने के लिए हमें बिल्कुल ग्रास रूट से चलना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रीट मैथ में पढ़ाया जाता है या IACT में पढ़ाया जाता है, वहां से हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि वो मैथमेटिकल मॉडल एस्टेब्लिश कैसे होगा, कैसे हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, 3 मिनट रह गए, ये जूम बंद हो जाएगा, तो हम भी बंद कर लेंगे अपनी ब्रेक के लिए और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 2:20 पे ज्वाइन करेंगे दोबारा। जैसे ही बंद होगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद फिर हम 2:20 पे या 2:20 सही है यूज करेंगे। तो हम अभी जितना जब तक चल रहा है उसको चलने देते, एक दो स्लाइड पढ़ लेते, उसके बाद 2:20 पे ज्वाइन करते। मैं अभी कोई चीज पढ़ाने नहीं जा रहा। कहता है वी वॉन्ट, अब देखें यहाँ पे स्लाइड्स में लिखे हुए, स्लाइड आपको अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह आज के बाद। वी वॉन्ट टू एनालाइज टू बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल ऑफ द वेरिएशन इन द मशीन। लिखा हुआ गया हमने वेरिएशन, मशीन की वेरिएशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड आ गया, कंपाइलर का मसाइल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनके मसाइल से हट के कोई चीज बनानी है भाई। कि आप कहें कि एक पाइथन, हम बबल सॉर्ट पाइथन पे चला रहे हैं, बबल सॉर्ट सी शार्प पे चला रहे हैं, इन दोनों की रिजल्ट में भी फर्क होगा, क्योंकि कंपाइलर की स्पीड डिफरेंट होती है। उसका कंपाइलर पाइथन का फास्ट है, सी शार्प का कंपाइलर स्लो है। क्या वजह है? इनकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। जब आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इस वजह से हम बहुत सारी चीजें, तो क्या कह रहे हैं, वी वॉन्ट द एनालाइज टू बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल ऑफ द वेरिएशन इन द मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप कभी पढ़ाओगे ना डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले तो पता तो हो ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी आप किसी को इंटरव्यू दो तो आपको पता तो हो ये क्या होते हैं। जी जी, मैं गूगल क्लासरूम में नहीं करता हूँ, मैं तो स्लाइड्स अपलोड कर देता हूँ, LMS पे भी कर देता हूँ। चलो आज कर दूंगा दोबारा से। अनलाइक प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम्स आर टू बी अंडरस्टूड प्राइमरली बाय पीपल एंड नॉट मशीन। यानी हमें मैथमेटिकली समझना है, मशीन के बेसिस पे नहीं समझना, मशीन कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए नहीं समझना, लेकिन पैरामीटर्स वही होंगे जो एग्जिस्ट करते हैं। आगे आते हैं, अभी मैं आपको मैथमेटिकल मॉडल पे नहीं लेके जा रहा, स्लाइड इसलिए मूव करा रहा हूँ कि टाइम कम है। Thus give us quite a bit of the flexibility in the how we represent our algorithm. तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हम algorithm को कैसे represent करेंगे। And many low level detail may be omitted. ठीक है, मैथमेटिकल नोटेशन एंड फार्मूलास आर यूज। अब ये वर्ड, ये जो मैंने अभी आपसे कहा था ना थोड़े दिन पहले, कि वी आर नॉट गोइंग टू बेसिकली मशीन बेस और एल्गोरिथम बेस, बट वी विल यूज बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, कि मैथमेटिकल नोटेशन एंड फार्मूलास आर यूज। हम मैथमेटिकल नोटेशन और फार्मूला यूज करेंगे। क्या हो गया, जा कहाँ रहे हो तुम? बात कहाँ जा रहे भाई? अच्छा जी, आइडियली दिस मॉडल शुड बी रीजनेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड जेनेरिक सिंगल प्रोसेसर मशीन। अभी हम जो बात करेंगे वो सिंगल प्रोसेसर के लिए होगा, क्योंकि कुछ मशीनें ड्यूअल प्रोसेसर भी होती हैं, तो हम सिंगल प्रोसेसर की बात करेंगे। वी कॉल दिस मॉडल रैंडम एक्सेस मशीन। जो सिंगल प्रोसेसर पर मशीन होती हैं उसको हम रैंडम एक्सेस मशीन कहते हैं। यानी हम ये नहीं सोचेंगे कि हम ऐसी मशीन के लिए काम कर रहे हैं जिसके